हे एवरी वन वेलकम टू आर चैनल यूनिवर्सल लॉज दिस इज लेक्चर नंबर फाइव ऑफ सी पी सी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिगार्डिंग द जोरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स कि किसने तरह के ज्यूरिस्डिक्शन होते हैं कहाँ पर किस तरह से डिफ़ाइन किए गए हैं इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जहाँ पर हमने प्रॉपरली सबसे पहले डिस्कस किया था कि किस तरह से सी को आप एक डिफरेंट स्टाइल में पढ़ सकते हैं ताकि सी सी को पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए एंड प्लस हमने वेरियस लेक्चर्स में अपना डिस्कस किया था कि किस तरह से प्रिलिम्स एग्ज़ाम में एज वेल well एज़ मेन्स एग्ज़ाम में किस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है आप पहले प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें आई सजेस्ट कि आप सभी वीडियोस को प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर में देखें और ऐसा करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जा के आप सभी वीडियोज़ को एक प्रॉपर सिक्वेंस में चेकआउट कर सकें प्लस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर वेरियस अदर वीडियोस भी अवेलेबल हैं हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ इम्पॉर्टेंट एम सीरीज मेन्स आंसर राइटिंग सभी वीडियोज़ को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरियस लिंक्स अवेलेबल हैं अब हम स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग द जूरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके के जूरजडिक्शन होते हैं सो देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन एंड उससे भी पहले अगर आप समझें कि जूरिस्डिक्शन का मतलब क्या है सो जूरिस्डिक्शन बेसिकली मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट का क्या क्षेत्राधिकार है क्षेत्राधिकार रिलेट करता है प्रॉपरली विध टेरिटोरियल ज्यूरशन एंड वैसे अगर हम सिंपल जूरिस्डिक्शन का मतलब समझें तो ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट के पास एक पावर या फिर एक अथॉरिटी टू डिसाइड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर कि क्या वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड कर सके या नहीं कर सकता ये सब चीज़ें हम डील करते हैं विद जोरिस्डिक्शन एंड ज्यूरसडिक्शन हमारा तीन टाइप्स का है दैट इज़ पैक्यूनरी ज्यूरसडिक्शन जिसके बारे में हम सेक्शन सिक्स एंड सेक्शन फिफ्टीन में पढ़ते हैं सेकेंड है सब्जेक्टिव जूरिस्डिक्शन जो कि हम सेक्शन नाइन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्टिव इज बेसिकली सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कि जो सिविल कोर्ट्स हैं वो किस तरह के पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को डील कर सकते हैं वहाँ पर हमने सेक्शन नाइन में पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर कि सूट ऑफ सिविल नेचर का क्या मीनिंग है ये हमने जाना था इन सेक्शन नाइन एंड ये आपको मिलेगा इन आर लेक्चर थ्री अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो लेक्चर नंबर थ्री को आप देखें वहाँ पर हमने सेक्शन नाइन के बारे में डिस्कस किया था थर्ड इज़ आर टेरिटोरियल जोरिस्डिक्शन टेरिटोरियल जोरिस्डिक्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू द टेरिटोरियल एरिया कि किस पर्टिकुलर एरिया तक या किस लिमिट तक एक पर्टिकुलर कोर्ट किसी मैटर को डिसाइड कर सकता है टेरिटोरियल जोरिस्डिक से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो हमें सेक्शन सिक्सटीन से लेकर के सेक्शन ट्वेंटी तक पढ़ने को मिलते हैं ओके okay, सो so हम अब वन बाय डिस्कस करेंगे कि टेरिटोरियल जोरिस्डिक्शन का क्या मतलब है सो so, सबसे पहले देखिए, पैक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन से रिलेटेड सेक्शन सिक्स एंड सेक्शन फिफ्टीन पहले हम सेक्शन की लैंग्वेज से समझने की कोशिश करते हैं सेक्शन सिक्स जिसका टाइटल ही है पैक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन पहले आपको पता होना चाहिए कि पैक्यूनरी का क्या मतलब है देखिए जहाँ कहीं पैक्यूनरी टर्म यूज हो तो आप समझ लें कि पैक्यूनरी जो टर्म है दिस इज यूज फॉर मनी और रिलेटेड टू मनी कि पैक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब है ऐसा इज़ रिलेटेड टू द वैल्यू और रिलेटेड टू द मनी कि किसने पर्टिकुलर वैल्यू तक या कितने पर्टिकुलर अमाउंट तक कोर्ट किसी मैटर को डिसाइड कर सकता है तो लैंग्वेज पढ़ते हैं सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट ज्यूरिस्डिक्शन ओवर द सूट ऐसे सूट के ऊपर किसी भी कोर्ट को ज्यूरिस्डिक्शन नहीं दिया जा सकता वेयर द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कि जो उस पर्टिकुलर सूट का सब्जेक्ट मैटर है यदि उस सब्जेक्ट मैटर का जो वैल्यू है जो उसका मूल्य है जो अमाउंट है वो एक्सीड करता है द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जूरसडिक्शन ऑफ कोर्ट देखिए बेसिकली क्या होता है इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि कोर्ट्स का एक प्रॉपर लिमिट अमाउंट एक डिसाइड होता है कि सपोज करते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम देखें कि सिविल जज जूनियर डिविजन सपोज इनका जो पैक्यूनरी लिमिट है दैट इज अपू फाइव लैख कि सिविल जज जूनियर डिविजन डिसाइड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऐसे मैटर को जहाँ पर जो अमाउंट है वो कितना है फाइव लाख तक डिसाइड कर सकते हैं तो अगर आपका जो सूट है जो भी उसका अमाउंट है कि सपोज आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट लाते हैं और वो प्रॉपर्टी पाँच लाख रुपए तक की है तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना सूट सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास ला सकते हैं लेकिन यदि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का जो अमाउंट है जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है यदि वो छः लाख है सात लाख है यानी उस अमाउंट से एक्सीड करती है तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो सूट है वो उस कोर्ट में लाई नहीं करता उस कोर्ट में आप सूट को फाइल नहीं कर सकते सो आपको क्या देखना होगा कि जो अमाउंट है ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट क्या वो अमाउंट उस कोर्ट के जूरिस्डिक्शन की लिमिट में फॉल कर रहा है या उससे एक्सीड करता है ओके नाउ सेक्शन फिफ्टीन भी पैक्यूनरी लिमिट के बारे में ही बताता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड विच इज़ कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट कि आप सबसे पहले जो लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट है उसके अंदर जाएंगे कि सपोज सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड उससे ऊपर है सिविल जज सीनियर डिवीज़न तो डायरेक्ट तो अगर आपका जो सूट है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास आप फाइल कर सकते हैं उनके पैक्यूनरी लिमिट्स में आपका सूट लाइक करता है सपोज जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ऑफ अबाउट फाइव लैख तो यदि आपका सूट फाइव लैख तक लिमिट के अंदर है तो आपका सूट सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास आप फाइल कर सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्टली सीनियर डिवीजन के पास अप्रोच नहीं करेंगे सबसे पहले आप उस कोर्ट में जाएंगे विच इज ऑफ लोवेस्ट ग्रेड जो लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट है जहां पर आपका सूट फॉल करता है वहां पर पहले आप जाएंगे ओके सेक्शन फिफ्टीन केवल यही बात कहता है देखिए यहां से लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होना चाहिए कि यदि जो अभी हम एग्जाम्पल डील कर रहे हैं उसी की बात करते हैं कि यदि आपका जो सूट था वो पाँच लाख रुपये तक के अमाउंट का था और आप उस सूट को सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास फाइल कर सकते थे लेकिन आपने क्या किया डायरेक्टली आप सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास अगर अप्रोच कर लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका सूट है उसका क्या होगा तो इसका आंसर होगा कि ऐसे सिचुएशन में दिस इज़ नीयरली एन इरेगुलारिटी जो भी अगर कोई डिग्री पास की जाती है बाय सिविल जज सीनियर डिवीजन देन ऐसे सिचुएशन में वो जो डिग्री है वो नल एंड वाइड नहीं होगी ये केवल एक इेगुलारिटी है जो कि सेक्शन 99 नाइन के साथ आप पढ़ेंगे कि सेक्शन 99 नाइन में इरेगुलारिटीज़ के बारे में बात की गई है सो दिस इज़ नीयरली एन इरेगुलारिटी जिसको करेक्ट किया जा सकता है लेकिन फिर भी ये जो जनरल रूल है वो यही है कि सबसे पहले आपको लोवेस्ट ग्रेड के कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करना है डायरेक्टली आप सीनियर कोर्ट में अप्रोच नहीं करेंगे ओके सो दिस इज़ अबाउट पैक्यूनरी जो देखिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना क्वेश्चन अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं इवन आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पर भी आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ओके okay. अब हम बात करेंगे अबाउट टेरिटोरियल जूरिस्टिक्शन टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू द टेरिटरी की जो पर, जो एरिया है उससे रिलेटेड जूरिस्डिक्शन सेक्शन सिक्सटीन सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट देखिए सेक्शन 16 का जो हेडिंग है यहीं से काफी कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा उस जगह पर जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आप सूट फाइल कर रहे हैं जहाँ पर वो सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है उसी कोर्ट के अंदर उसी पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया के कोर्ट के अंदर ही आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे पढ़ते हैं इसको सब्जेक्ट टू दैक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ देखिए ये सब चीजें साथ साथ चलेंगी आपको पैक्यूनरी लिमिट्स का भी ध्यान रखना होगा उसके साथ साथ आप सेक्शन सिक्सटीन का भी ध्यान रखें कि अगर आपका सूट रिलेटेड है टू द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन से रिकवर करनी है या फिर पार्टीशन आप चाहते हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का या मॉर्गेज से रिलेटेड फॉर क्लोजर सेल और रिडम्शन ऑफ मॉर्गेज मॉर्गेज के बारे में देखिए आप टी के अंदर पढ़ते हैं तो अगर मॉर्गेज से रिलेटेड आपका कोई सूट है या फिर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन सिक्सटीन देखिए मेनली बात करता है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी राइट्स अराइज हो रहे हैं कंपनसेशन अगर आपका कोई है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है देन ऐसी सिचुएशन में आपका जो सूट है वो इंसिट्यूट किया जाएगा विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएट कि आपका जो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप सूट इंसिट्यूट करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी जिस कोर्ट के टेरिटोरियल लिमिट्स में सिचुएटेड है उसी पर्टिकुलर कोर्ट में आप अपना सूट इंस्टीट्यूट करेंगे ओके okay. यहाँ पर देखिए केवल आपको एक बात इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि सेक्शन सिक्सटीन का जो क्लॉज ए टू ई है ये सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है केवल यहाँ पर क्लॉज एफ डील करता है विद रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ से देखिए प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है ओके okay, तो अभी तक हमने क्या देखा कि सपोज़ ये कोई प्रॉपर्टी है जो कि सिचुएटेड है एक पर्टिकुलर कोर्ट के जोरिस्डिक्शन में तो आप इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट फाइल करेंगे उसी कोर्ट में जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वो प्रॉपर्टी आती है नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रोविज़ो पढ़ने को मिलेगा प्रोविज़ो जहाँ कहीं भी देखिए सेक्शंस में प्रोवाइडेड लिखा होता है प्रोविज़ो जो होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं तो बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ें provided that a suit to obtain relief respecting or compensation or wrong to immovable property यदि आप immovable property से related कोई ऐसा suit लाना चाहते हैं जहाँ पर जो relief है जो भी आप relief मांग रहे हैं वो आपको मिल सकता है केवल तभी जब defendant personally court में appear हो आप जो भी relief चाहते हैं court से वो relief इस nature का है जो कि defendant के personal ओबीडियंस पर्सनल अपियरेंस से ही रिलेटेड है देन ऐसे सिचुएशन में आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे कहाँ पर देखिए अपने बैरक्ट में चीज़ें अंडरलाइन करते हुए चलें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर तीन पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे इन कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुजिक्शन प्रॉपर्टीज सिचुएट जो बात अभी हमने पहले पढ़ी कि जहाँ कहीं प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ करेंगे सेकेंड पॉइंट आता है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुजिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली और वॉल्ट्रिली रिसाइड जहाँ कहीं डिफेंडेंट रिसाइड करता है जहाँ कहीं वो रह रहा है उस पर्टिकुलर लोकल लिमिट्स में आप सूट फाइल करेंगे या जहाँ डिफेंडेंट अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है या पर्सनली वर्क करता है जहाँ कहीं भी उसका बिजनेस है जहाँ कहीं वो काम कर रहा है वहाँ पर आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे

रह रहा है वहां पर अगर आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे तो भी डिफेंडेंट की अपेयरेंस को सिक्योर किया जा सकता है ओके okay, सो so प्रोविज़ो को भी याद रखें एंड एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है कि प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया जो कि विद इन इंडिया प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो सेक्शन सिक्सटीन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है जो इसका पूरा बेस लाइन है दैट इज दिस कि जहाँ कहीं जो सब्जेक्ट मैटर है आपका वो जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है उस कोर्ट के अंदर ही आप अपना सूट इंस्टीट्यूट करेंगे जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में आपका जो प्रॉपर्टी है जो सब्जेक्ट मैटर है वो जहाँ सिचुएटेड है नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन सेवनटीन दैट इज सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जूरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स देखिए अब कभी ऐसी भी अराइज हो सकती है कि जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी डिफरेंट कोर्ट्स के जूरिस्डिक्शन में फॉल कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे अ सूट इज टू ऑबटेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रोंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई सूट है लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट कोर्ट्स के जोरिस्डिक्शन में सपोज कोर्ट ए एंड कोर्ट बी दोनों कोर्ट के जोरिस्डिक्शन में वो आपकी प्रॉपर्टी पी फॉल कर रही है तो ऐसे सिचुएशन में सूट में भी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट आप कोर्ट ए में भी अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं कोर्ट बी में भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं क्योंकि आपका जो प्रॉपर्टी है उसका एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन कोर्ट ए और कोर्ट बी तो आप दोनों कोर्ट में से किसी भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पर भी एक प्रोविजो है कि प्रोवाइडेड एट प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट दर क्लेम इज कॉग्निजेबल कि आपको के साथ साथ जो है का, उसको भी ध्यान में रखना होगा कि क्या जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो विद इन द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ कोर्ट फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा ओके okay, इस बात का भी ध्यान रखना होगा क्स्ट वी कम टू सेक्शन एटीन द्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वे लोकल लिमिट ऑफ जूरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसरटेन नेक्स्ट देखिये सेक्शन एटीन बात करता है कि जहां कहीं जो कोर्ट है उसका जूरिस्डिक्शन ही अनसरटेन है सेक्शन सेवनटीन और एटीन में देखिए कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ें कि सेक्शन सेवनटीन तो बात करता है उस सिचुएशन की जब जो प्रॉपर्टी है वो विद इन द जूरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स फॉल कर रही है जबकि सेक्शन एटीन बात करता है कि यदि जो कोर्ट है उसका जूरिस्डिक्शन अनसर्टेन है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा सेक्शन 18 दैट इज वेयर इट इज़ एलज टू बी अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जूरिस्डिक्शन ऑफ विच कोर्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट यदि बहुत ही ऐसी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन अराइज हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो किस पर्टिकुलर कोर्ट के ज्यूरसडिक्शन में सिचुएट सिचुएटेड है क्योंकि जो कोर्ट का जूरसडिक्शन है वो अनसर्टेन हमें लग रहा है ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा कोर्ट विल रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट कोर्ट इस बात को रिकॉर्ड करेगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जुरिस्डिक्शन है वो अनसर्टेन uncertain है अनसर्टेनिटी की स्थिति पैदा हुई है तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट इस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा एंड देयर अपॉन प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी और उसके बाद कोर्ट उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सूट है उसको एंटरटेन करेगा डिसाइड करेगा डिस्पोज ऑफ करेगा एंड इट्स डिक्री इन दूट शेल है प्रॉपर्टी वॉज सिचुएटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जोरिस्डिक्शन और ऐसा ही समझा जाएगा जैसे कि जो प्रॉपर्टी है वो उस कोर्ट के लोकल लिमिट्स में ही सिचुएटेड थी ऐसा ही माना जाएगा प्रोवाइडेड दैट द सूट इज वन विद रिस्पेक्ट टू विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट ये जरूरी है कि कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ द सूट ओके नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन टू वेअर स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन वन देखिए सबसेक्शन वन में जो हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दिस इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट कि कोर्ट इस बात की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे यदि कोर्ट ने ऐसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करी एंड कोई ऑब्जेक्शन अगर फाइल किया जाता है बिफोर द अपीलिएट और रिविजनल कोर्ट दैट द डिक्री और ऑर्डर इन अ सूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी वाज मेड बाय कोर्ट कि यदि जो कोर्ट है जिसने उस पर्टिकुलर सूट को डिसाइड करा बट कोर्ट ने डिसाइड करते समय इस बात का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा कि प्रॉपर्टी का जोरिस्डिक्शन अनसर्टेन है देन ऐसी सिचुएशन में आपके पास राइट है कि अपील की जा सकती है या रिविजन में अगर आप जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा द रिविजनल और अपीलेट कोर्ट शैल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन अनलेस इट्स इन द ओपिनियन दैट एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कोई रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी नहीं था एंड देर हैज़ बिन कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस देखिए इस सब सेक्शन को इस तरह से समझें कि सपोज कोर्ट में आप गए रिलेटेड टू एनी प्रॉपर्टी जिसका जोरिस्डिक्शन अनसर्टेन था तो सबसेशन वन के अकॉर्डिंग ऐसी अनसर्टेनिटी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा कि जोरिस्डिक्शन अनसर्टेन है उसके बाद कोर्ट प्रोसीड करेगा सूट को डिस्पोज ऑफ करेगा लेकिन अगर कोर्ट इस तरह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता और स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना करने की वजह से देर हैज़ बीन अ फेलियर ऑफ जस्टिस कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो पाया देन ऐसी सिचुएशन में अपीलेट या रिविजनल कोर्ट के पास आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं लेकिन कोर्ट आपके ऑब्जेक्शन को केवल तभी ध्यान में देगा तभी सुनेगा जब आपके साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो और आपको कोई रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई हो ओके, नेक्स्ट वी सेक्शन सूट फॉर फॉर टू पर्सन और मूवेबल्स देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन सिक्सटीन में हमने सेवनटीन में एटीन तीनों में हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करी अब सेक्शन नाइनटीन बताता है रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी या अगर आपके साथ पर्सनल कोई रॉन्ग हुआ है उससे रिलेटेड आप कंपनसेशन चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में सूट कहाँ आप फाइल करेंगे वेयर सूट इज़ फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी इफ द रोंग वॉज डन विद इन द लोकल ऑफ़ कोर्ट यदि रॉन्ग जो आपके साथ हुआ वो हुआ एक पर्टिकुलर कोर्ट की लिमिट्स में लेकिन जो डिफेंडेंट है वो रिसाइड करता है उसका बिजनेस है या पर्सनली वो, वो वर्क करता है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जूरिस्टिक्शन ऑफ अनादर कोर्ट किसी दूसरे कोर्ट में देन सूट में भी इंस्टीट्यूटेड

वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स या फिर इन कैलकाटा जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या कैलकाटा के जो कोर्ट है उसके लोकल लिमिट्स में आपके साथ वो रोंग किया गया आपको कैलकाटा की कोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शन में बीट किया गया वहाँ पर आपके साथ रोंग हुआ तो आप कैलकाटा में भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सो बेसिकली दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिव प्लेंटिव के पास प्रॉपर ऑप्शन है कि वो कहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है इलस्ट्रेशन बी देखते हैं ए रिसाइडिंग इन डेली पब्लिश इन कैलकाटा स्टेटमेंट विच आर डिफेमेटरी ऑफ बी ऐसी सिचुएशन में सिमिलरली बी के पास अधिकार है कि या तो वो डेली में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है वे आर द डिफेंडेंट रिसाइड्स या फिर बी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है इन कैलकाटा जहाँ पर उसके साथ डिफेमेशन का जो रॉंग है वो किया गया ओके okay, देखिए इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं सेक्शन सिक्सटीन से, uh, सेवेंटीन और एटीन वहाँ से जो आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं फॉर प्रिल्म पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ से क्वेश्चन आपका जो हैडिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो फ्रेम किया जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि अनसर्टेनिटी से रिलेटेड जूरिस्डिक्शन के बारे में किस सेक्शन में बात की गई है वेयर एज सेक्शन नाइनटीन से रिलेटेड जो इलास्ट्रेशंस दी गई हैं यहाँ से आपका मेन्स में भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपसे यहाँ पर जो पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है सो बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ें नेक्स्ट वे कम टू सेक्शन ट्वेंटी सेक्शन ट्वेंटी बात करता है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेदर डिफेंडेंट रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइज अब सेक्शन ट्वेंटी शुरू ही ऐसे हो रहा है कि अदर सूट्स अदर सूट्स का मतलब है जो भी बचे हुए सूट हैं यानी जिसके बारे में हम सेक्शन सिक्सटीन से लेकर के नाइनटीन तक अगर जो आपका सूट है वो उन पर्टिकुलर सेक्शंस में कहीं पर नहीं आ रहा तो सेक्शन ट्वेंटी में आपका सूट फॉल करेगा और सेक्शन ट्वेंटी को आप इसीलिए लिए रेजिडरी सेक्शन भी बोल सकते हैं देखिए तो अपने बैरक में मार्क करें और साइड में सेक्शन ट्वेंटी के बराबर में लिखे 20 इज रेजिडोरी सेक्शन रिलेटेड टू जूरिस्डिक्शन कई बार देखिए प्रिलिम्स में डायरेक्ट ऐसे एक लाइन का क्वेश्चन बन जाता है और आपको समझ नहीं आता कि उसका आंसर क्या होगा तो सेक्शन ट्वेंटी इज रेजिडोरी सो so, पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एज एफोर्स एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड विद इन दोकलिक्शन यहाँ पर देखिए आपको केवल ए बी एंड सी इन तीन पॉइंट्स को केवल याद रखना है कि जो सूट है वो कहाँ फाइल किया जा सकता है जहाँ पर डिफेंडेंट या एक से अधिक अगर डिफेंडेंट्स हैं तो जहाँ पर वो एक्चुअली वॉलंटरी रिसाइड या कैरीज ऑन बिजनेस या पर्सनली वर्क फॉर गेन की जहाँ डिफेंडेंट रहता हो या जहाँ पर उसका कोई बिजनेस हो नेक्स्ट अगर अब ऐसी सिचुएशन में हमने क्या पढ़ा कि डिफेंडेंट या एक से अधिक अगर डिफेंडेंट्स हैं अब बी पॉइंट जो है वो इसी चीज़ को और एलेबरेट करता है कि एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन कि सपोज दो डिफेंडेंट्स हैं एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कैरीज ऑन बिजनेस वर्क फॉर गेन प्रोवाइडेड दैट इन सच केस इधर द लीव ऑफ कोर्ट इज गिवन कि सपोज डिफेंडेंट वन एंड डिफेंडेंट टू दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं अब दोनों डिफेंडेंट्स तो ये चाहेंगे कि जहाँ पर वो रहते हैं वहीं के कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन कोर्ट की परमिशन लेनी होगी या फिर वो डिफेंडेंट डू नॉट रिसाइड और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन वो खुद ही यदि दे दे इन द इंस्टिट्यूशन ऑफ सूट डिफेंडेंट नंबर वन का जो पर्टिकुलर जोरिस्टिक्शन uh, था जहाँ कहीं वो रहता था वहां पर आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया देखिए सही सही से इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि सपोज ए इज द प्लेंटिडर टू डिफेंडर टू रहता है मुंबई में अब ए जो प्लेटिव है इसने क्या किया सूट इंस्टीट्यूट कर दिया इन दिल्ली जहाँ पर डिफेंडर नंबर वन रहता है तो ऐसा करने के लिए ए को क्या करना होगा पहले या तो कोर्ट की परमिशन लेनी होगी कि जो डिफेंडेंट्स है वो अलग अलग जगह पर रहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट की परमिशन ले लें या तो या फिर जो डिफेंडेंट नंबर टू है यानी कि जो मुंबई में रहता है यदि वही ख़ुद कह दे कि ठीक है कोई बात नहीं वो एक्विशंस दे दे कि दिल्ली में सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा कोई बात नहीं मुझे चलेगा तो ऐसी सिचुएशन में भी सूट दूसरी जगह पर इंस्टीट्यूट किया जा सकता है ओके okay. नेक्स्ट क्लॉसी सी कहता है द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइज जहां कहीं कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पर भी आप सूट इंसिट्यूट कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन दी गई है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर भी देखिए आपको इलस्ट्रेशन देखने को मिलेंगी सेक्शन ट्वेंटी एंड दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट यहां से भी इलस्ट्रेशन से आपसे में प्रॉब्लम बेस्ड फ्रेम किए जा सकते हैं ए इज अ ट्रेड्समैन इन कलकत्ता बी कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली देखिए अब यहाँ पर सेम ऐसा ही सिचुएशन आ गया कि ए जो है वो कलकत्ता में रहता है बी बिजनेस करता है दिल्ली में बी बाय हिज एजेंट इन कलकत्ता बाय गुड्स ऑफ ए एंड रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर दैन टू ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ए डिलीवर भी कर देता है गुड्स को कैलकाटा में अब ऐसी सिचुएशन में ए क्या कर सकता है सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है बी के अगेंस्ट या तो कैलकटा में वेर द कॉज ऑफ़ एक्शन हैज़ अराइज क्योंकि उसने जो गुड्स हैं वो सप्लाई करे इन कैलकाटा तो कैलकाटा में कॉज ऑफ़ एक्शन अराइज़ हुआ इसी लिए सूट कैलकाटा में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है या फिर डेली में जहाँ पर बी बिजनेस कैरी करता है जो आपका डिफेंडेंट है बी इज डिफेंडेंट तो बी जहाँ पर बिजनेस कर रहा है वहाँ पर भी सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है सो बेसिकली ये इलस्ट्रेशन देखिए आपका जो यहाँ पर सबसेक्शन ए क्लॉज ए एंड क्लॉज सी को क्लैरिफाई करता है कि जहाँ कॉज ऑफ़ एक्शन अराइज हुआ वहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है या फिर जहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है जहाँ पर वो बिजनेस कर रहा है वहाँ पर सूट एसिटिट्यूड किया जा सकता है इलस्ट्रेशन बी देखते हैं ए रेसिड्स इन शिमला बी एट कलकत्ता सी एट दिल्ली तीन लोग हैं ए बी एंड सी ए रहता है शिमला में बी रहता है कलकत्ता में एंड सी रहता है दिल्ली में ए बी एंड सी बीइंग टुगेदर एट बनारस लेकिन ये तीनों एक जगह पर मिले कहां मिले बनारस में तीनों बनारस में एक जगह पर साथ थे अब बी एंड सी ने क्या किया जॉइंटली उन्होंने प्रॉमिसली नोट दिया एंड डिलीवर इट टू ए और उन्होंने एक ओवर डिलीवर कर दिया अब ऐसे सिचुएशन में ए यदि सूट इंस्टीट्यूट करना चाहे तो वो कहाँ कहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है देखिए आप खुद अपना दिमाग लगाएं कि हमने क्लॉज ए बी और सी में क्या चीज़ें पढ़ी पहले हमने पढ़ा जहाँ कहीं डिफेंडेंट रिसाइड करता है या बिजनेस कैरी ऑन करता है तो यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में बी कहाँ रहता है कैलकाटा में सी कहाँ रहता है दिल्ली में तो यानी कि जहाँ पर बी और सी जो आपके डिफेंडेंट्स हैं जहाँ कहीं वो रहते हैं या बिजनेस कैरी ऑन करते हैं वहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है यानी कि या तो कलकत्ता में या फिर दिल्ली में किया जा सकता है लेकिन अब देखिए ये चीज़ अब क्लॉज बी को भी ध्यान में रखें जहाँ पर हमने पढ़ा था कि यदि जो डिफेंडेंट्स हैं वो अलग अलग जगह पर रह रहे हैं अब क्योंकि बी रह रहा है कलकत्ता में और सी रह रहा है दिल्ली में तो ऐसी सिचुएशन में जो नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट है वो अगर ऑब्जेक्शन रेज करे तो आपको क्या करना होगा कोर्ट की परमिशन लेनी होगी ओके okay. एंड तब आप सूट suit इंस्टीट्यूट कर सकते हैं आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये नेक्स्ट देखिए सेक्शन ट्वेंटी वन ऑब्जेक्शन एस टू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको क्या करना है देखिए क्लॉज वन टू सबसेक्शन वन टू एंड थ्री जब तीनों का आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा दो तीनों में सेम ही तो बात कही गई है एंड हाँ सेम ही बात कही गई है केवल आपको इस सेक्शन में ये याद रखना है कि अगर रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ सुइंग टेरिटोर पहला जो सबसेक्शन है वो बात करता है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करना है रिलेटेड टू द टेरिटोरियल जोरिस्डिक्शन तो आपको वो ऑब्जेक्शन रेज करना होगा एट द वेरी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर जैसे ही आपको पता चलता है कि जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया गया उस कोर्ट का तो ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं है तो ऐट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी आप कोर्ट में इस बात का ऑब्जेक्शन रेज करें कि इस कोर्ट का तो जूरिस्डिक्शन ही नहीं है सूट को डील करने का लेकिन अगर आप उस समय ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हैं और बाद में आप अपीलेट या रिविजनल कोर्ट के पास जाकर के इस चीज़ का ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट आपके ऑब्जेक्शन को केवल तब सुनेगा जब कभी कोर्ट को ये लगे कि बहुत ही ज़्यादा फेलियर ऑफ जस्टिस या ग्रॉस आपके साथ मिस्टेक हुई है कुछ तभी कोर्ट आपके ऑब्जेक्शन को सुनेगा एट द अपीलेट और रिविजनल स्टेज अदरवाइज आपकी ये ड्यूटी है कि जैसे ही आपको पता चले जैसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटी हो आप वैसे ही इस चीज़ का ऑब्जेक्शन रेज करें ओके okay, तो पहले सब सेक्शन में हमने बात करी रिलेटेड टू द टेरिटोरियल जोरिस्डिक्शन सेम यही बात सब सेक्शन टू बात करता है अबाउट पैक्यूनरी लिमिट्स को लेकर के कि यदि आपको पता चलता है कि जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया गया उस कोर्ट का पैक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो आप अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर इस चीज़ का ऑब्जेक्शन रेज करेंगे यदि आप ऑब्जेक्शन रेज करते हैं एट द अपीलेट और रिविजनल स्टेज तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट देखेगा कि क्या फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तभी आपके ऑब्जेक्शन को कोर्ट सुनेगा एंड थर्ड जो है आपका वो बात करता है अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कि सेम यही बात जो है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के ऊपर भी अप्लाई होती है अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का क्या मतलब है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का मतलब है वो कोर्ट जो किसी पर्टिकुलर डिग्री को एग्जीक्यूट करता है देखिए जब कोर्ट डिग्री पास कर देता है तो उसके बाद ऑर्डर ट्वेंटी वन में हम पढ़ेंगे अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की उस डिग्री को एग्जीक्यूट करना जो कुछ भी उस डिग्री में कहा गया है जो बातें रिलीफ आपको दी गई है उसे फुलफिल करना इज बेसिकली द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन ट्वेंटी वन ए देखिए यदि आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है अगर आपको बिल्कुल भी ये हेल्पफुल लग रहा है सो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आर चैनल ताकि हम हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में भी आप हमारे साथ बने रहें और सी पी सी को इतने ही ध्यान से अच्छे से समझ सकें बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स देखिए अभी लाइंड अप है आपका एमपी का नोटिफिकेशन आ चुका है महाराष्ट्र नोटिफिकेशन आ चुका है सो so हम इसी तरह से आपके लिए वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे ओके सो डू सब्सक्राइब आर चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन इफ अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है से प्रिलिम्स में फ्रेम किया जाता है. समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा गया है नो सूट शेल लाई चैलेंजिंग दैलिडिटी ऑफ आर डिग्री पास इन अमर सूट बिटवीन द सेम पार्टीजीन द पार्टीज अंडर ऑन एनी ग्राउंड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्शन एस टू प्लेस ऑफ स्विंग देखिए सिंपल ट्वेंटी वन ए में ये बात कही गई है कि यदि प्लेस ऑफ स्वइंग मतलब टेरिटोरियल जोरिस्डिक्शन को लेकर के आपका कोई भी ऑब्जेक्शन था लेकिन आपने उस ऑब्जेक्शन को उस समय रेज नहीं किया ऑब्जेक्शन रेज ना करने की वजह से कोर्ट ने डिग्री भी पास कर दी सूट को प्रॉपरली डिसाइड कर दिया अब आप उस डिग्री को सेटिसाइड करने के लिए उस डिग्री को खत्म करने के लिए एक तरह से कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते सच सूट इज बाल्ड आपके द्वारा कोई अलग से सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता ऑन दिस ग्राउंड कि जो कोर्ट है उसने जो डिग्री पास करी उस कोर्ट का तो टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन ही नहीं था क्योंकि यदि आपको ये बात पता थी तो आपको ऑब्जेक्शन एट द वेरी फर्स्ट इंस्टांस रेज करना चाहिए था एज पर सेक्शन ट्वेंटी वन जब डिग्री पास हो गई उसके बाद आप अलग से कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते सिंपल सेक्शन ट्वेंटी वन ए केवल ये बार लगाता है ओके okay, एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में फॉर्मर सूट को एक्सप्लेन किया गया है एंड सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है जैसा कि हम फॉर्मर सूट का मीनिंग पढ़ते हैं देखिए अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो जब हमने रेस जूडिकेटा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था अंडर सेक्शन इलेवन तो वहाँ पर हमने फॉर्मर सूट की डेफिनेशन को फॉर्मर सूट के मीनिंग को समझा था सेम वही बात यहाँ पर रिपीट की गई है कि फॉर्मल सूट का मतलब है ऐसा सूट जो कि डिसाइड किया गया है प्रायर टू द डिसीजन इन द सूट वेदर वो प्रीवियसली इंस्टीट्यूट किया गया था या नहीं तो फॉर्मल सूट का बेसिकली मतलब है ऐसा सूट जो कि डिसाइड किया जाता है पहले वेदर वो पहले इंस्टीट्यूट हुआ या बाद में इंस्टीट्यूट हुआ इंस्टीट्यूशन से हमें मतलब नहीं है मेन बात है कि उसे पहले डिसाइड किया गया हो जो सूट पहले डिसाइड हो जाएगा दैट विल बिकम द फॉर्मर सूट ओके सो है दिस वीडियो कम्स टू एन एंड अगर आपको ये पसंद आया लेक्चर सो डू हिट द लाइक बटन एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं एंड अगर आपको हेल्पफुल लगता है सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आर चैनल हिट द आइकन ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें अगर आपको इन सभी वीडियोज़ का या नोट्स का पी डी एफ चाहिए सो so आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग इन दिस वे वी विल श्योरली हेल्प यू आउट विद अपकमिंग एंड नेक्स्ट हमारी वीडियो हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स लाइन अप हैं उनके लिए आप किस तरह से प्रिपेयर करें आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि आप एग्जाम्स को क्लियर कर सकें एंड जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन्हें अचीव कर सकें All the best everyone. Thank you. Stay tuned with our channel.